हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। जिसने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो है इलेक्ट्रिशियन कैंडिडेट्स के लिए। तो इसमें हम बात करेंगे डायोड क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार की डिवाइस होती है। तो थोड़ा ढंग से देखिएगा इस वीडियो को, अपने आप समझ में आ जाएगा अंत तक। डायोड क्या होता है तो, और कैसे काम करती है और कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखिए, डायोड एक खास तरह का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिसके दो इलेक्ट्रोड होते हैं। दोस्तों सभी को पता होगा, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। मान लीजिए ज़्यादातर जो डायोड होते हैं यानी अर्धचालक सामग्री, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बोलते हैं, उनकी बनी होती है, जैसे कि सिलिकन, जर्मेनियम और सेलेनियम। सिलिकन, जर्मेनियम और सेलेनियम क्या है दोस्तों, ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं यानी अर्धचालक होते हैं। इनके अंदर चालकों और अर्धचालकों दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। तो डायोड दिखने में जितना छोटा होता है उसका कार्य उतना ही बड़ा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी डायोड दिखने में जितना छोटा होता है उसका कार्य उतना ही बड़ा होता है। और एक बात याद रखनी है, डायोड को हम रेक्टिफायर्स या सिग्नल लिमिटर्स या वोल्टेज रेगुलेटर या स्विचेस, सिग्नल मॉड्यूलेटर, सिग्नल मिक्सर या सिग्नल डेमोडुलेटर्स या ऑसिलेटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, यानी इम्पोर्टेंट साबित होगा आपके लिए। यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए, आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये इनके नाम है, इनके हिसाब से इनको रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको सामग्री याद रखनी है, सिलिकॉन, जर्मेनियम और सेलेनियम, यानी इन तीन तरह के कंपोनेंट से बना होता है डायोड। यानी अर्धचालक सामग्री होती है ये, सेमीकंडक्टर्स जिनको बोला जाता है, जिनमें चालक और अचालक दोनों के गुण विद्वान होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए दोस्तों, हम देखते हैं इससे आगे क्या है सिस्टम। तो दोस्तों साधारणतया डायोड इलेक्ट्रिक करंट को सिर्फ एक दिशा में जाने देता है, सिर्फ एक ही दिशा में जाने देता है। जब डायोड का कैथोड टर्मिनल को नेगेटिव जो वोल्टेज से और एनोड को पॉजिटिव वोल्टेज से जोड़ देते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा आपके। यानी जब डायोड का जो कैथोड, यानी जो डायोड है उसका कैथोड टर्मिनल होगा, उसको नेगेटिव वोल्टेज से और एनोड को पॉजिटिव वोल्टेज से जोड़ देते हैं, तो इसमें से करंट बहने लगता है। यानी नेगेटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, यह आपको ध्यान रखना है। यानी कैथोड और एनोड का मतलब यही होता है, तो इसमें से करंट बहने लगता है। इसे क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग बोला जाता है। फॉरवर्ड बाइसिंग किसे बोला जाता है, यह आपको नोट करना है। जब डायोड का कैथोड टर्मिनल को नेगेटिव वोल्टेज से और एनोड को पॉजिटिव वोल्टेज से जोड़ देते हैं, तो इसमें से करंट बहने लगता है, इसे फॉरवर्ड बाइसिंग बोला जाता है दोस्तों। और जब डायोड के एनोड को नेगेटिव वोल्टेज से जोड़ देते हैं, यानी उल्टा विपरीत कर देते हैं, और यह वोल्टेज को आगे नहीं जाने देती है, जिससे कि हम रिवर्स बायस बोलते हैं। यानी रिवर्स बायस यानी उल्टा हो गया, नाम से पता चल रहा है आप सभी को। और अगर कैथोड को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं तो भी यह वोल्टेज को नहीं जाने देती है, और इस स्थिति को भी हम रिवर्स बायसिंग ही बोला जाता है। यानी इसका कहने का मतलब है, दोनों टर्मिनलों को एक दूसरे के विपरीत कर देते हैं, तो उसको रिवर्स बायसिंग बोला जाता है। और एकदम सही से जोड़ेंगे हम उसको, कैथोड को नेगेटिव से और एनोड को पॉजिटिव से, तो उसको फॉरवर्ड बायस, ये देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग बोला जाता है, और उल्टा कर देंगे तो रिवर्स बायसिंग बोला जाता है। तो दोस्तों अब देख लीजिए आप इसका जो सिंबल होता है, उसको दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे, ये होता है डायोड का सिंबल। तो डायोड इस टाइप का होता है दोस्तों, ये देखिए, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। यानी डायोड कई प्रकार के होते हैं, जिनमें आपको बताऊंगा मैं आपको नीचे। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के होते हैं और कितने। देखिए दोस्तों, डायोड कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले हम इसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो डायोड को उनके काम के अनुसार अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। सभी डायोड का अलग अलग काम होता है, और लगभग सभी डायोड का काम एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। यानी सभी का अलग अलग होता है दोस्तों, एक दूसरे के अलग अलग टाइप में, यानी विपरीत भी हो सकता है। कुछ डायोड सप्लाई देने पर लाइट देते हैं, और कुछ डायोड पर लाइट देने पर
वह सप्लाई बनाता है। इसी तरह अलग अलग प्रकार की डायोड होती है जिनके बारे में पूरी जानकारी देख लीजिए नीचे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जेनर डायोड की। तो जेनर डायोड को देख लीजिए, जिसने भी अभी तक सिंबल नहीं देखा है तो सिंबल भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके लिए। दिखाई दे रहा होगा दोस्तों आप सभी को, कमेंट में टाइप करके बता दीजिए साथ साथ। तो दोस्तों जेनर डायोड के बारे में बात करते हैं। जेनर डायोड वैसे तो एक साधारण डायोड की तरह ही होता है, लेकिन सभी को नहीं पता होता कि जेनर डायोड क्या होता है। हम आपको बता देते हैं कि जेनर डायोड साधारण डायोड की तरह करंट को एक तरफ जाने देता है, करंट को एक तरफ जाने देता है, लेकिन जब वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है यानी भंजन होता है किसी वोल्टता का, तो उससे ज़्यादा हो जाता है, तो यह करंट को उल्टी दिशा में यानी रिवर्स डायरेक्शन में भी जाने देता है, यानी उल्टा कर सकता है। समझ में आ गया होगा आप सभी को, इसको बोलते हैं जेनर डायोड। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए नीचे। जेनर डायोड का आविष्कार किसने किया था? 1934 में क्लेरेंस जेनर ने किया था, जिनका नाम खुद के ऊपर ही रखा गया है, यानी जेनर डायोड खुद का नाम है देखिए। और इसे एकदम से आने वाली वोल्टेज होती है जिसको प्लसेस बोलते हैं, तो उससे बचने के लिए किया गया था। और यह डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कार्य करता है दोस्तों। समझे आगे होगा आप सभी को। दूसरा होता है लाइट इमिटिंग डायोड, जिसको बोलते हैं एलईडी। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, दिखाई दे रहा होगा आपको। यह है लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी बोलते हैं जिसको हम। तो यह डायोड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदलने का काम करती है, और इसका आविष्कार 1968 में हुआ था। जब इसे सही तरीके से वोल्टेज सप्लाई के साथ में जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस क्रिया के कारण होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में दोबारा जुड़कर लाइट की फॉर्म में एनर्जी बनाते हैं। तो यह डायोड फॉरवर्ड बाय स्थिति पर काम करता है। तो इसका सिंबल देख लीजिए ढंग से, अपने आप समझ में आ जाएगा आपके, देखा होगा आपने। तो पहले इस डायोड का इस्तेमाल इंडक्टर लैंप में किया जाता था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर होने लगा है, और इसे ट्रैफिक सिग्नल, कैमरा फ्लैश इत्यादि के लिए उपयोग में लाया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। समझिए आगे होगा दोस्तों आप सभी को। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा 3 नंबर, कॉन्स्टेंट करंट डायोड। तीसरा कौन सा है? कॉन्स्टेंट करंट डायोड। यह डायोड करंट रेगुलेटिंग डायोड या कॉन्स्टेंट करंट डायोड या करंट लिमिटेड डायोड या डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी इसके बहुत सारे नाम हैं। थोड़ा ढंग से देखिए, यह है डायोड करंट रेगुलेटिंग डायोड, कॉन्स्टेंट करंट डायोड, करंट लिमिटेड डायोड या डायोड कनेक्टर ट्रांजिस्टर के नाम से जाना जाता है। इस डायोड का मुख्य काम होता है वोल्टेज को विशेष करंट पर नियमित रखना। समझिए आगे होगा दोस्तों आप सभी को। अब बात आती है हम इसके बारे में, थोड़ा सा इसका सिंबल देख लीजिए पहले। इस टाइप से होता है यह है डायोड, टू टर्मिनल्स करंट लिमिटर किस तरह कार्य करता है, और इसमें लगा JFET जिसको हाई आउटपुट इम्पीडेंस को पाने के लिए करंट लिमिटर है जो कि कार्य करता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों